स्टीफन फ्लेमिंग ने पाकिस्तान का जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथों से छीन लिया। उनकी उम्दा बॉलिंग और अच्छी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच लूज कर गया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के बड़े काबिल एतमाद बैट्समैन में शामिल होते थे। मर कप्तान इंतहाई काबिल एतमाद और प्रोफेशनल क्रिकेटर थे स्टीफन फ्लेमिंग। अफसोस कि अफरीदी का बैट सिर्फ हवा में ही चला और अफरीदी मैच को ना बचा सके और ना जितवा सके। अदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट नई वीडियो के साथ हाजिर की तो उम्मीद है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट समझ नवाजेंगे। ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2006 इंडिया में खेली गई 25 अक्टूबर 2006 को। इस चैम्पियन ट्रॉफी का अहम मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मोहाली में खेला गया जो डे एंड नाइट मैच था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और मुकर्रर 50 ओवर में 274/7 रन बनाए। न्यूजीलैंड जब ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो उनकी पहली विकेट जस्ट 3 रन पे यानी 3 पे, दूसरी 23 पे और तीसरी विकेट 60 पे गिर चुकी थी। यानी 3 बेहतरीन बैट्समैन उनके दोनों ओपनर समेत 60 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके थे। ऐसे में स्टीफन फ्लेमिंग और स्टाइरिस दोनों ने बैटिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और खूब निभाई। स्टीफन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो उस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान भी थे, उन्होंने स्टाइरिस के साथ मिलकर आस्ता आस्ता इस मुश्किल वक्त में टीम को निकालने की कोशिश की। उन्होंने पहले 50 बनाई और उसके बाद जहाँ जहाँ उन्होंने मैच की सिचुएशन के मुताबिक उनको शॉर्ट बॉल मिली, लूज बॉल मिली तो उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई और आस्ता आस्ता करते करते स्टाइरिस के साथ मिलकर चौथी विकेट की शराकत मजबूत करते चले गए। इससे पहले तो यूँ लगता था कि शायद न्यूजीलैंड 100 या 150 के करीब ऑल आउट हो जाए और पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग नाकस फील्डिंग की वजह से और आने वाले बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग ना की, इन्हीं जब बॉलिंग चेंज हुई तो पाकिस्तान के कुछ बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग ना हो सकी, जिस वजह से स्टीफन फ्लेमिंग और स्टाइरिस के दरमियान पार्टनरशिप मजबूत होती चली गई। इन दोनों बैट्समैनों ने चौथी विकेट की शराकत में बहुत अहम पार्टनरशिप की 108 रन की। जी हाँ, जब न्यूजीलैंड की चौथी विकेट गिरी तो 168 स्कोर था उस वक्त जब फ्लेमिंग आउट हुए। फ्लेमिंग ने 105 बॉल खेलकर 80 रन बनाए जिसमें 8 शानदार चौके और एक छक्का शामिल था। बिलाहर शुएब मलिक ने उनकी विकेट ली और ये पार्टनरशिप तोड़ी। उसकी थोड़ी देर बाद स्टाइरिस भी आउट हो गए। स्टाइरिस ने 86 रन बनाए 113 बॉलें खेल कर जिसमें उन्होंने 10 शानदार चौके लगाए, इन 10 बाउंड्रीज भी शामिल थी उनकी 86 के स्कोर में। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुलरज़ाक ने 2 और शुएब मलिक ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान की पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई, अत्ता के करते करते पाकिस्तान के 83 पर 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद यूसुफ मास्टर बैट्समैन और शुएब मलिक ने 5वीं विकेट की शराकत में स्कोर 83 से 177 तक पहुंचा दिया। जी हाँ, इन दोनों ने 5वीं विकेट की शराकत में 94 कीमती रन का इजाफा किया। ऐसे में मोहम्मद यूसुफ 71 रन बनाकर 92 बॉल्स पे आउट हो गए। इससे पहले प्रोफेसर अफीज ने 46 बॉलों पे 43 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक उस वक्त विकेट पर मौजूद थे। शुएब मलिक ने अभी लाहर 70 बॉल पे 52 रन बनाए और जब वो इसमें मौजूद थे तो ऐसे लगता था
کہ شعیب ملک ہی ٹارگٹ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شعیب ملک کی وکٹ جب گری تو 202 رنز پہ شعیب ملک بھی آؤٹ ہو گئے 52 رنز بنا کے، تو بعد میں آنے والے بیٹس مین یہ ٹارگٹ چیز نہ کر سکے اور پاکستان 51 رنز سے یہ میچ ہار گیا۔ شاہد افریدی اس میچ میں صرف 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ ہمارے کپتان اس وقت کے محمد یونس صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ان بونڈ نے 3 اور جیکم اورم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت جلدی، تب تک اللہ حافظ۔